जब भी रितेश पांडे सोशल मीडिया पर पवन सिंह से रिलेटेड कोई भी बात कहते हैं, वो खेसारी लाल यादव के फैंस के ट्रोलिंग पर आ जाते हैं, यानी कि निशाने पर आ जाते हैं। इस बार तो उन्होंने खेसारी को अपना सीनियर तक बताया है, लेकिन फिर भी जब पवन की बारी आई तो उनके तारीफ के कसीदे पढ़ दिए गए रितेश पांडे द्वारा, और तब से ही रितेश पांडे के लिए काफ़ी मुसीबतें सोशल मीडिया पर इसलिए बढ़ जाती हैं जब जब देखिए, क्योंकि वो खेसारी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, जिस वजह से सोशल मीडिया पर हमेशा ये कहा जाता है कि पवन सिंह के सपोर्टर हैं रितेश पांडे तो दूसरी तरफ खेसारी के हेटर हैं। वैसे खेसारी लाल यादव के खिलाफ सबसे पहले रितेश पांडे ने तब मोर्चा खोला था जब खेसारी लाल यादव अपनी झूठी डींगे हाँक रहे थे बिहार के डीएसपी के सामने, और वो वीडियो लीक हुआ। जैसे ही वो वीडियो लीक हुआ, इस वीडियो की पूरी सच्चाई रितेश पांडे ने सभी के सामने धर कर रख दी, और इसी से चिढ़ गए खेसारी लाल यादव, और तब से इन दोनों के बीच जो बिगड़ी हुई बात है वो आज तक नहीं बनी है। और इसके लिए एक और बात कही जाती है कि रितेश पांडे का गाना चुरा कर खेसारी लाल यादव ने गा दिया था, और इस तब से इन दोनों के बीच एक मन मुटाव जो है वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है, और हो सकता है आगे आने वाले वक्त में ये ठीक हो ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जब जब रितेश पांडे पवन सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी उनकी तारीफ करेंगे, उन्हें ट्रोलिंग का शिकार तो होना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे आप हमारे इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।